तो भाई लोग, मैंने बहुत टाइम से न्यूज़ वाले सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर रखा था, लेकिन अब से तुम्हें सारे के सारे न्यूज़ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, वो भी हर हफ्ते। और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि मैं तुमको जरूर से बताना चाहूंगा, तो सुन लो भाई। सबसे पहली अपडेट आती है हमारे अजय देवगन की तरफ से। इनकी एक पिक्चर की रिलीज डेट आ चुकी है जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये पिक्चर अब आएगी, लेकिन ये पिक्चर आ ही नहीं रही थी। मैं बात कर रहा हूँ मैदान पिक्चर के बारे में, जो कि फाइनली अब रिलीज डेट इसकी लॉक हो चुकी है। सॉरी, रिलीज डेट लॉक नहीं हुई है, हमको बस बता दिया गया है कि ईद पर पिक्चर आएगी। और अगर इस पिक्चर के क्लैश के बारे में बात करूं तो भाई, बड़े मियां छोटे मियां भी ईद पर रिलीज हो रही है, और देवरा जो पिक्चर है वो भी। तो इस मूवी का जो कंपटीशन है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। बाकी बेटर लक टू अजय देवगन। अपन दूसरी अपडेट की ओर बढ़े तो भाई, दूसरी अपडेट आती है आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि भाई उसका टीजर आ चुका है और टीजर को लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस फिल्म में तुमको यामी गौतम लीड करते हुए नजर आएगी। जब मैंने इस पिक्चर का टीजर देखा भाई, तो सेम टू सेम कश्मीर फाइल्स वाली वाइब आई। और इसके टीजर को देखने के बाद मैं जरूर से इस पिक्चर को देखना चाहूंगा। पिक्चर आ रही है 23 फरवरी को थिएटर्स में। और इसी के साथ फाइटर की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। फाइटर को डायरेक्ट कर रहे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने बनाई थी पठान। अब इनकी फाइटर आ रही है। फाइटर में हमको ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे, अनिल कपूर, और साथ ही में देखने को मिलेगी दीपिका पादुकोण। मूवी का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ, जिसको मिक्स रिस्पॉन्स मिले है। बाकी तुमने अगर देख लिया तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहा इस पे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब। बाकी अगर इसकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो भाई, 20,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। और अगर तुम पिक्चर देखना चाहते हो तो पिक्चर आने वाली है 25 जनवरी के दिन थिएटर्स में। बाकी अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करूं भाई, तो वो प्रभास की तरफ से आती है। प्रभास की नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है राजा साहब, उसका पोस्टर आ चुका है। और अगर इस पिक्चर के बारे में बात करूं तो भाई, ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि पिक्चर होने वाली है रोमांटिक हॉरर कॉमेडी मूवी। मतलब अब तुमको प्रभास फिर से रोमांस करते हुए नजर आएंगे राधेश्याम के बाद। इस पिक्चर की रिलीज डेट मेकर्स की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है, पर प्रभास की एक और मूवी है जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, उसकी रिलीज डेट आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कल की मूवी के बारे में, जो कि आएगी 9 मई 2024 को। नेक्स्ट अपडेट आता है आमिर खान की दो मूवीज को लेके, जो कि हाल ही में अनाउंस हुई थी। पर शॉकिंग न्यूज ये निकल के आ रही है कि पिक्चर दोनों की दोनों रेडी हो चुकी है। फरवरी तक हमको ये देखने को मिल सकती है। हालांकि वो इन दोनों पिक्चरों में से एक ही पिक्चर में नजर आएंगे, बाकी एक पिक्चर को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इट्स हार्ड टू बिलीव कि आमिर खान ने इतनी जल्दी पिक्चर बना दी। जो इंसान भाई एक एक साल ले लेता था पिक्चर बनाने में, उसने 4-5 महीने में पिक्चर बना डाली। पर खैर, अब न्यूज आ ही रही है तो मे बी बन गई होगी पिक्चर। तो बात कर लेते हैं किस पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मूवी का नाम है सितारे जमीन पर। और जो इनकी एक और मूवी है जो कि इन्होंने हाल ही में सनी देओल के साथ अनाउंस की थी, राजकुमार संतोषी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। मूवी का नाम है लाहौर 1947। इस मूवी को आमिर ने प्रोड्यूस किया है और ये मूवी भी रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है न्यूज सही है गलत है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा ट्रस्टेड न्यूज सोर्स से पता चला है, तो मे भी ये सही हो। बाकी अगर तुमने भी ये सुना है तो प्लीज कंफर्म कर देना कमेंट में कि हाँ ये न्यूज सच है। पर देखो, ये न्यूज सच हो ना हो, एक न्यूज एकदम 100% सच है कि सिंघम अगेन और पुष्पा 2 का क्लैश होने वाला है। 15 अगस्त के दिन दोनों की दोनों पिक्चरें जो है वो आपस में भिड़ने वाली है। तो ये बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, जहां सिंघम अगेन में भाई काफी ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट कर लिया गया है। मतलब रोहित शेट्टी करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, जो कि पूरे बॉलीवुड को सिंघम अगेन में लेके आ चुके हैं। हमको टाइगर स्टॉप देखने को मिलेंगे, करीना कपूर, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है। और वही बात करें पुष्पा 2 के बारे में, तो भाई उसकी तो हाइप ही अलग चल रही है। मतलब लास्ट वाला जो उनका सीन था, उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि फहद फासिल का कैरेक्टर आखिर करेगा क्या सेकंड पिक्चर में। बाकी अगर अपन नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, तो जिन दो पिक्चरों के बारे में तुमसे मैं कहने वाला हूँ, वो दोनों की दोनों पिक्चरें आती है अजय देवगन की तरफ से। मतलब ये बंदा कर क्या रहा है, एक ही हफ्ते के अंदर इसने अपनी 4-5 पिक्चरों के बड़े बड़े धमाके कर डाले है। तो जिन दो पिक्चरों के बारे में बात कर रहा था, उन दोनों के रिलीज डेट लॉक हो चुकी है। पहली मूवी है शैतान, जो कि नाम और पोस्टर से ही तुम समझ सकते हो कि किस टॉपिक पे हो सकती है। फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका। और ये पिक्चर जो है वो 2024 में रिलीज होगी 8 मार्च के दिन। और वही दूसरी मूवी की बात करें, तो अजय देवगन की फिल्म रेड 2 जो है वो रिलीज होने वाली है 15 नवंबर के दिन 2024 को थिएटर्स में। इस पूरे वीडियो में मैंने अजय देवगन के 3-4 पिक्चरों पे तो आखिर बात कर ही ली है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो था भाई इस बंदे ने डोमिनेट किया है। पर खैर, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो में जरा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।